नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको बिदासर इंडस्ट्रियल एरिया का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज केवटिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन करने के लिए राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल, पंचायत समिति सुजानगढ़ के प्रधान गणेश ढाका सहित अनेक गणमान्य लोग, अनेक नेता पहुँच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ ही देर में उद्घाटन समारोह आयोजित होने वाला है। फिलहाल पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। आइए बिदासर के इंडस्ट्रियल एरिया से केवटिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन समारोह का अवलोकन करते हैं। बिदासर औद्योगिक क्षेत्र का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज केवटिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन हो रहा है। बहुत विशाल क्षेत्र में ये फैक्ट्री बनी है, इसका उद्घाटन है और बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं समारोह में। ये मैनेजिंग डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण जी केवटिया को आप देख रहे हैं। आप इन्हें इस फैक्ट्री की स्थापना की है, जिसका आज उद्घाटन करने के लिए राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और उन्हीं का इंतजार इस समय हो रहा है। केवटिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ प्लॉट नंबर F1, F2, F3 के हो रहा है। रिको इंडस्ट्री एरिया श्री डूंगरगढ़ रोड पर बागीर जी केवटिया और राम प्रताप जी केवटिया और केवटिया परिवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। उद्घाटन समारोह से पहले पूजा अर्चना की गई है। यहाँ पर काफी वाचन के साथ बागीर जी केवटिया वो तिलकार्चन किया जा रहा है। स्वस्ति वाचन किया गया है बागी जी केवटिया से पत्नी के यहाँ पर और आप देख रहे हैं स्वस्ति तिलक के बाद रक्षा विधान। क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग का कार्य, इसलिए भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की गई है, गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की गई है। केवटिया परिवार द्वारा स्थापित केवटिया एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन समारोह, जिसमें आज राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकार मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उससे पहले केवटिया परिवार ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। केवटिया परिवार के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज उनकी इंडस्ट्री का उद्घाटन हो रहा है और पूरा परिवार बहुत प्रसन्न नजर आ रहा है और सभी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। यहाँ पर अब कंप्यूटर और ऑफिस की पूजा हो रही है, क्योंकि आज का युग कंप्यूटर का युग है। पहले बही खातों से काम होता था, अब सारा कार्य कंप्यूटर से होता है। उपकरणों की पूजा हो रही है।
क्योंकि वो समय नहीं रहा जब बही खातों से काम होता है, अब तो सारा काम ऑनलाइन और कंप्यूटर से होता है। लैपटॉप की पूजा की गई है। गले में कुबेर जी की पूजा की गई है। कुबेर देवताभ्यो नमो नमः। राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारी मास्टर मोहनलाल मेघवाल उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए। केवटिया इंडस्ट्रीज का उद्घाटन हो रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल, प्रधान गणेश ढाका, बेनिवाजी तमाम नेता आप देख रहे हैं, उप प्रधान लक्ष्मीनारायण जी केवटिया स्वागत कर रहे हैं मंत्री जी का। केवटिया फूड्स का उद्घाटन हो रहा है बिदासर के इंडस्ट्री एरिया में, डूंगरगढ़ रोड पर। अब देख रहे हैं लक्ष्मीनारायण जी केवटिया यहाँ पर मंत्री जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं, रिबन लगा दिए गए हैं। कुछ ही देर में राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल इस विद्युत को काटकर इस फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। बहुत भव्य ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैक्ट्री को स्थापित किया गया है और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फैक्ट्री का उद्घाटन होने वाला है। ये फैक्ट्री के अंदर का नजर आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री का दृश्य आप देख रहे हैं। केवटिया फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नजर आप। तीन ब्लॉक में इसको बनाया गया है। श्री डूंगरगढ़ रोड पर स्थित इंडस्ट्री एरिया में श्री केवटिया फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन समारोह आयोजित हो रहा है। मंत्री जी पहुंच चुके हैं, फीता काट के इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया जा रहा है। मंत्री जी का पंडित जी के द्वारा तिलकार्तन से स्वागत किया जा रहा है। स्वागत सम्मान हो रहा है तिलकार्तन से, प्रधान गणेश ढाका का स्वागत किया जा रहा है, उप प्रधान दीवान सिंह जी का सम्मान हो रहा है। आप देख रहे हैं मंत्री जी फीता काटकर केवटिया फूड प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन कर रहे हैं। फीता काटा जा रहा है। लक्ष्मीनारायण जी केवटिया साथ में है और ये उद्घाटन हो चुका है। पुष्प वर्षा की जा रही है, सभी प्रवेश कर रहे हैं फैक्ट्री में। लक्ष्मीनारायण जी केवटिया जानकारी दे रहे हैं फैक्ट्री के बारे में मंत्री जी को। फैक्ट्री का अवलोकन कर रहे हैं मंत्री जी।
देख रहे हैं, ये ऑयल मिल होगी जिसमें मूँगफली का तेल बनेगा। ये आप देख रहे हैं सारी चीज़ें सजी हुई है। लक्ष्मी जान जी जानकारी दे रहे हैं मंत्री जी को। मैं बता दूं केवटिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जहां पर मूंगफली का तेल बनेगा, और ये आप देख रहे हैं फैक्ट्री को शुरू कर दिया गया है। मंत्री जी इसको यहां पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पीछे से मूंगफली आ रही है, मूंगफली से दाना निकल कर इसमें आ रहा है, और ये पूरा जो सिस्टम है वो मंत्री जी को समझाया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ श्री डूंगर रोड बिदासर पर आज केवटिया फूड प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन सामाजिक न्याय उद्घाटन मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल ने किया है, और इसमें आप देख रहे हैं फैक्ट्री को शुरू कर दिया गया है उद्घाटन के बाद। ये आप देख रहे हैं बटन दबाकर मंत्री जी ने कार्य शुरू कर दिया है और फैक्ट्री चल पड़ी है। ये देखिए मशीनें काम शुरू कर चुकी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर छंटाई होती है मूंगफली की, और ये दाना निकलने लगा है यहाँ पर, और मंत्री जी को बताया जा रहा है कि किस तरह से सिस्टम कार्य कर रहा है। ये आप देख रहे हैं मूंगफली अलग, दाने अलग हो रहे हैं, बहुत शानदार सिस्टम आप देख रहे हैं। सारे लोग ये सुंदर नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ से फ्रेश माल निकल रहा है जो बोरियों में भरा जा रहा है। बिदासर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। बिदासर में आज श्री डूंगरगढ़ रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया में केवटिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन हुआ है, जो कि ऑयल मिल है जहां पर मूंगफली का तेल बना जा रहा है। जो मूंगफली आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में बहुत बड़ी उपज होती है मूंगफली की, वो मूंगफली यहां पर इस फैक्ट्री में आएगी और उसका दाना निकाला जाएगा और दाने की सप्लाई की जाएगी, और सबसे अच्छा ऑयल माना जाता है। ये सारी मशीन आप देख रहे हैं जहाँ से मूँगफली का दाना निकाला जा रहा है, और इसी आप देख रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी का जो दाना माना जाता है, इसकी जो ऑयल क्वालिटी है वो सबसे बढ़िया मानी जाती है बिदासर सांडवा क्षेत्र की, और बहुत अच्छी फसल यहाँ पर मूंगफली की होती है, और इसीलिए यहाँ पर ये फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। पूरी फैक्ट्री का अवलोकन कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी, एक एक जानकारी दे रहे हैं मंत्री जी को। जानकारी दी जा रही है कि पंजाब से मशीनें मंगाई गई हैं। पहले मैंने जो क्षेत्र आपको दिखाया था जहां पर मूंगफली से दाना निकाला जा रहा था, ये वो है जहां पर मूंगफली के दाने से तेल निकाला जाएगा और बाकी खल निकलेगी। फिर केवटिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का नज़र आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही शानदार मशीनरी आप देख रहे हैं फैक्ट्री की। यहाँ भी वही मशीन है दाना निकालने वाली, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे चूरू ज़िले के लिए इस तरह की फैक्ट्रियों की स्थापना होना। मैं कहूँगा हमारे सुजानगढ़ बिदासर क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री की यहाँ पर स्थापना होना। मैं आपको बता दूं बिदासर नोखा तक बहुत बड़ी फसल होती है मूंगफली की, और ये मूंगफली है वो बाहर की तरफ जाती है जहाँ पर गुजरात क्षेत्र में इसका तेल निकाला जाता है, लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री की स्थापना यहाँ होना। मैं आपको बता दूं केवटिया फूड प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन हुआ है जहाँ पर मूंगफली का तेल बनाया जाएगा, इससे केवल तेल नहीं निकलेगा खल भी बनेगी, और इस क्षेत्र के किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि इनको दूर नोखा या सीकर जैसे क्षेत्रों में अपनी मूंगफली को नहीं ले जाना पड़ेगा, यहीं पर उनकी मूंगफली का उपयोग हुआ तेल निकालने के रूप में, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री की यहाँ पर स्थापना केवटिया परिवार के द्वारा की गई। और लक्ष्मी नारायण जी को पहले निवेदन किया जा रहा है कि आप अपने स्थान को ग्रहण करें, और
आप देख रहे हैं मंत्री जी शुभकामनाएं दे रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी को उनके स्थान पर बैठा कर और आशीर्वाद ले रहे हैं। आप देख बीकानेर प्रधान राधा जी के बेटे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर उपस्थित हैं उद्घाटन समारोह में। लक्ष्मी नारायण जी के बड़े बेटे राम प्रताप जी को कुर्सी पर आसीन करा के उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं मंत्री जी। केवटिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन हुआ है आज श्री डूंगरगढ़ रोड बिदासर में औद्योगिक क्षेत्र में और तमाम अतिथिगण आप देख रहे हैं यहाँ पर केवटिया परिवार को शुभकामनाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल ने फीता काटकर इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया है और केवटिया परिवार के प्रति बहुत लगाव है मंत्री जी का, खासतौर से लक्ष्मी नारायण जी के प्रति। अब मंत्री जी से निवेदन किया गया कि आप भी इस सीट पर बैठे और आग्रह स्वीकार करते हुए मंत्री जी ने भी यहाँ पर स्थान ग्रहण कर लिया है। लक्ष्मी नारायण जी के दोनों बेटे उपस्थित हैं भागीरथ भी जिन्होंने पूजा अर्चना की थी, छोटे पुत्र भागीरथ केवटिया उनकी पत्नी यानी लक्ष्मी नारायण जी के पुत्र वधू भी उपस्थित हैं। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है। ये फैक्ट्री की ऑफिस का दृश्य आप देख रहे हैं और भागीरथ केवटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं, पहले राम प्रताप जी को आशीर्वाद दिया था, दोनों बेटे उपस्थित हैं यहाँ पर। लक्ष्मी नारायण जी के छोटे भाई बीरबल जी भी आशीर्वाद ले रहे हैं मंत्री जी से। अतिथिगण मंचास्तोष में है, बिदासर का दृश्य आप देख रहे हैं, केवटिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन हुआ अभी मंत्री जी के द्वारा और अब अतिथियों का सम्मान सत्कार किया जाएगा। आज के इस केवटिया परिवार एवं दुसाद परिवार की ओर से पुनः हार्दिक आभार बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में पधारने के बाद राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल जो हमारे बीच समय निकाल कर पधारे हैं, यद्यपि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्रालय आप राजस्थान के नीति निर्धारकों में से हैं, आपने समय दिया, हम बहुत इस परिसर में सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से हमारे परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अरे मनोज जी सियाग आप मंच पर पधारे, खंड अधिकारी भी यहाँ पर स्वागत की श्रृंखला में माननीय मंत्री महोदय जी एवं उनके साथ पधारे हुए समस्त जनप्रतिनिधियों का सम्मान। निवेदन प्राइवेट लिमिटेड इस प्रतिष्ठान के मालिक हैं, ईश्वर की कृपा से उनसे निवेदन वो मंसूर आए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल का सम्मान किया जा रहा है। सबसे पहले केवटिया परिवार द्वारा पूर्ण राम जी दुसाद और लक्ष्मी नारायण जी केवटिया सम्मान कर रहे हैं। पूर्ण राम जी ने माला पहनाई और लक्ष्मी नारायण जी साफा पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। बीकानेर प्रधान राधा देवी सिहाग का सम्मान किया जा रहा है, केवटिया परिवार की बिटिया भी है राधा देवी शो लौटा कर सम्मान किया जा रहा है। सुजानगढ़ पंचायत समिति के प्रधान गणेश डाका का सम्मान किया जा रहा है। राम प्रताप जी साफा पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। बिदासर पंचायत समिति के उप प्रधान महेंद्र लेखा का सम्मान किया जा रहा है। बागीर जी केवटिया साफा पहनाकर सम्मान कर रहे हैं उप प्रधान जी का। सुजानगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान दीवान सिंह जी बानीश्रिया का सम्मान किया जा रहा है। दीवान सिंह जी बानीश्रिया पंचायत समिति सुजान का अभिनंदन करते आपका सम्मान करेंगे। देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विद्याधर जी बेनीवाल का सम्मान हो रहा है। विद्याधर जी का सम्मान करते हुए दासर चेयरमैन खालिद बल्खी का सम्मान किया जा रहा है। विद्यासर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जेठाराम जी का सम्मान हो रहा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धर्मजी सोनी का सम्मान हो रहा है। कृषि उपज मंडी सुजानगढ़ के पूर्व अध्यक्ष भवनलाल जी ढाका का सम्मान हो रहा है। वार्ड
बालूराम जी केवटिया इनका अभिनंदन। अतिथियों का सम्मान सत्कार किया जा रहा है, बागी जी का सम्मान हो रहा है। धर्मेंद्र का सम्मान हो रहा है। रमेश जी दुसाद का भी इस प्रतिष्ठान में पधारने पर अभिनंदन करना चाहेंगे। डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद का सम्मान किया जा रहा है। युवा समाज से भी है रामेश्वर जी, मुनिराम का सम्मान हो रहा है। भागीरथ गुरु का सम्मान किया जा रहा है। भागीरथ जी बांबू का सम्मान किया जा रहा है। मंत्री महोदय जी से जाना चाहूंगा स्वागत की श्रृंखला में थोड़ा निवेदन। गोविंद राम जी मूल, खेतराम जी जाखड़, आपका भी अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा सुरेश जी बुगालिया आप पधारें और खेतराम जी जाखड़ का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। सुरेश जी बुगालिया, खेतराम जी का गोविंद जी मूल का माल्यार्पण कर गिरिराज जी जानी आप गोविंद जी का सम्मान किया जा रहा है। भागू राम जी सर आप पधारें और आप पवन जी पारी हंसराज जी छापोला का सम्मान किया गया है। लक्ष्मीनारायण जी केवटिया पवन जी का सम्मान कर रहे हैं। रिको का पुनर्स्थापना यहाँ पर करवाई गई है पवन जी के प्रयासों से भी। केवटिया परिवार द्वारा आज इस प्रतिष्ठान के अंदर पूरे इलाके से आए हुए हमारे समाज जनप्रतिनिधिगण, हमारे पंचायत समिति सुजानगढ़ के प्रधान गणेश डाका उप प्रधान दीवान सिंह जी, विदासर के हमारे महेंद्र जी लेगा, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भाई विद्या जी बेनीवाल, हमारे प्रधान बीकानेर, हमारे हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे चेयरमैन साहब बल्कि जी, हमारे वाइस चेयरमैन साहब जवाहर सिंह जी, हमारे यह नगर के अध्यक्ष सामान्य भाई जेठाराम जी, उनके साथ आए हुए अन्य समस्त अधिकारीगण, आज ये प्रतिष्ठान लक्ष्मीनारायण जी केवटिया द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। मैंने मूंगफली गोटे की कही हमारी फैक्ट्री को अवलोकन किया, देखा, शुभारंभ भी किया, लेकिन आज मैंने इस प्रतिष्ठान को देखने के बाद ये महसूस किया है कि ये प्रतिष्ठान, ये फैक्ट्री आधुनिक तकनीक से बनाई गई है और आधुनिक तकनीक से बनाई गई है। जो अभी विद्यादित्य कह रहे थे मुझे तो मालूम नहीं, राजस्थान की पहला प्रतिष्ठान है जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर आज इस प्रतिष्ठान को बनाया गया है। मैं मेरी तरफ से आप सबकी तरफ से इनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं ये प्रतिष्ठान दिन दुना रात चौगुना फले और फूले। ये रिको इंडस्ट्री एरिया पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है। इस रिको इंडस्ट्री एरिया विदासर के अंदर इतना बड़ा प्रतिष्ठान हमारे गांव के किसान द्वारा आज इसको बनाया गया है उसके लिए भी धन्यवाद के पात्र है। ये रिको का एरिया जो अभी कुछ खाली पड़ा है, बन नहीं पा रहा है, लक्ष्मीनाथ जी केवटिया को देख करके, इस प्रतिष्ठान को देख करके निश्चित तौर से यहाँ पे अनेक प्रकार के प्रतिष्ठान लगने का काम करेंगे। क्योंकि ये जो सरकार द्वारा रिको का एरिया घोषित किया जाता है उसके बाद में डेवलप करने का काम हम लोगों का है। यहाँ पे इंडस्ट्रियां लगे,
यहाँ पे फैक्ट्रियां लगे, यहाँ पे इस रिको को आबाद हो ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके। सरकार के मुद्दे सारे काम नहीं होते हैं, लेकिन आज रोजगार के साधन, हमारी इंडस्ट्री के साधन, हमारे फैक्ट्रीज, हमारे कल कारखानों के अंदर हमारे लोग मजदूरी करते हैं, उनको यहाँ पे रोजगार मिलता है। इसे मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ लक्ष्मण जी केवटिया और उसकी पूरे केवटिया परिवार को, या सुजान बीदा सके इस रिको इंडस्ट्री एरिया के अंदर बहुत शानदार प्रतिष्ठा आपने किया। मैंने यहाँ पे देखा कई फैक्ट्री में जाता हूँ, अपने यहाँ कई फैक्ट्रियां लगी हुई है, क्या मैंने देखा कि मूंगफली, जब मूंगफली निकलती है जहां से डाला जाता है उसमें स्वतः ऑटोमेटिकली मूंगफली अलग, गोटा अलग, और गोटे के साथ साथ गोटे में ही भर गए। अगर गोटा काला है वो अलग, अब कैसे होगा ये तो मेरे भी समझ में नहीं है। मैंने कहा भाई एक दिन आपकी फैक्ट्री को दोबारा आकर के देखेंगे, उसमें छोटा गोटा है वो अलग होगा, बड़ा है अलग होगा, साथ में चलेंगे एक साथ में हो सकते हैं। तो एक नई तकनीक से इस फैक्ट्री का, इस प्रतिष्ठान का जो कार्य हुआ है वो बहुत शानदार काबिले तारीफ है। अब तेल की बात, तेल की भी बहुत सी हमारी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन इसमें तेल निकालने के लिए पहले वो काम होगा, फिर गोट आएंगे, उसका तेल निकले खल अलग होगी, तेल रिफाइंड अलग होगा। नहीं वास्तव में देखो, मैं तो साफ देने वाला हूँ, बहुत शानदार बुंदर आपके भी कोई फैक्ट्री होगी बीकानेर में मुझे पता नहीं, लेकिन शानदार कार्यक्रम आज की तारीख में जो हुआ है उसके लिए हमारा इलाका आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता है। देखिए वर्तमान के अंदर पिछले जो 4-5 साल का समय निकला है, उस 4-5 साल के समय में जब से नोटबंदी का काम हुआ है उसके बाद लोगों के पास जेब में पैसा नहीं रहा। नोटबंदी के काम मजदूर लोग मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो रही है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही है, बहुत से कल कारखाने बंद हो रहे हैं। जयपुर के अंदर मैं देखता हूँ, वहां पे बदरू में हमारी एक दोस्त की फैक्ट्री है 50% बंद हो गई, हमारे विज्ञान में बंद हो गई, लेकिन ये प्रतिष्ठान एक ऐसा प्रतिष्ठान है जो तो खाने के काम आता है, और खाने के काम आने वाला चीज, खाने के काम आने वाला कोई भी फैक्ट्री, कोई भी प्रतिष्ठान दिन दुना रात चौगना बनेगा तो पेट के लिए तेल भी चाहिए, कोटा भी चाहिए। तो ये काम निश्चित तौर से इन्होंने सोच समझ के किया है, और जाट के अगर जन्म तो लिया इन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब से बुद्धि इनकी वाणी से कम नहीं है, ये होशियार आदमी है। मैं पिछले बहुत वर्षों से लक्ष्मीनारायण जी को जानता हूं, लक्ष्मीनारायण जी कभी अभी विद्यालय जी कह रहे थे, कभी ये कोई चीज का व्यापार कर लेते हैं, कभी ये बोरी मशीन लेकर ट्यूबवेल का काम कर लेते हैं, कभी ये कभी कभी दूसरे प्रकार के मोटर बाइंडिंग का काम भी कर लेते हैं, तो कई प्रकार के काम कर लेते हैं। अब की बार इन्होंने जो काम किया है वो सबसे शानदार काम है, और इस काम के अंदर, काम के अंदर निश्चित तौर से इनको शानदार सफलता प्राप्त होगी, ये मैं कहना चाहूंगा। आज आपकी संख्या में आज लोग आए हो, मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे किसान लोग, हमारा किसान वर्ग, किसान की खेती आज बड़ी मुश्किल, आज बीदा सर से साठवा से जब आगे निकलते हैं तो आज हालात खराब है, भयंकर खराब हालात। आज कई हमारे जिले से जहाँ के ऊपर बरसात ज्यादा हो गई, अब की बात प्रकृति का प्रकोप भी अलग प्रकार का है। हमारे कोटा डिवीजन, हमारे उदयपुर डिवीजन, हमारे बागपुर डिवीजन, वहां पे बरसात ज्यादा होगी, लोगों की फसलें खराब होगी। हमारा जो इलाका, जो पश्चिमी इलाका है, इसके अंदर बरसात कम हुई है, आज सुजानगढ़ में बरसात कम है। मैंने हमारे अधिकारियों से भी बहुत स्पष्ट कहा है, एसडीएम साहब विराज रहे, तहसीलदार जी, एसडीएम साहब, उनसे मैंने कहा है
कि लोगों की फसल खराब हुई है बरसात कम होने के कारण, आप जब गिरदावरी करें तो कृपया गिरदावरी सही करें, कहीं ऐसा नहीं हो कि गिरदावरी में चाहे जैसे पटवारी लिख दे, आप इसकी मॉनिटरिंग करें और अगर अकाल है तो उसको वास्तव में अकाल लिखें ताकि आने वाले समय के अंदर अकाल रात के काम चल सके, लोगों को मजदूरी मिल सके। ये समय की धारा है, समय की धारा को समझ करके सब काम अपने करने पड़ेंगे। ये मैं कुछ और लोग से कहना चाहूँगा और आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार आपके लिए हर समय तैयार रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा। सरकार से जो भी बन पड़ेगा वो काम आपके लिए हम करने की चेष्टा करेंगे। मैं आपका राजमंत्री भी हूँ और आपका राजमंत्री होने के नाते हमारे पूरे राजस्थान में अभी बहुत मकान के मकान ढह गए। आपको जानकारी होगी दिल्ली में अखबार में आपने पढ़ा होगा कोटा में दो दो मंजिल में पानी पड़ गया था। ऐसी स्थिति में वहां पर सरकार का काम करेगी, वहां पर लोगों को राहत पहुंचाएगी, लेकिन हमारे जो सूखा पड़ा है उनको भी हम निश्चित तौर से आने वाले समय के अंदर राहत प्रदान करेंगे, ये मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा। और आपसे विशेष तौर से निवेदन करना चाहूँगा पानी की मात्रा समाप्त हो जाएगी, खेती कम करो लेकिन वो खेती करो जिस खेती से आपकी फसल एक या दो पानी से अच्छी तरह से पक सके, तब काम चलेगा। अब पहले का समय था आप मूंगफली को जोतते थे खूब सौ सौ दो दो सौ बीघा, 50 बीघा में आ गए, अब 25 बीघा में आ गए, धीरे धीरे कम पड़ता रहा पानी। तो ऐसी फसलें भी बोनी चाहिए जिससे हमारी फसल का सही तरीके से काम भी टाइम पर हो जाए और फसल का मूल्य भी मिल जाए, जो कि काफी लंबी संख्या में है। उन्हें आप सबको बधाई देते हुए केवटिया परिवार को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि यह आज शुभारंभ का कार्यक्रम है, इसमें तो आप और हम सब शुभारंभ पे आशीर्वाद देने के लिए, मेरा पूरा आशीर्वाद है, पूरा पूरा आशीर्वाद साथ बधाई है और बधाई के साथ शुभकामनाएं हैं कि भाई लक्ष्मण जी केवटिया बने फूले आपका पूरा परिवार, दिन दोना रात दोगुना आपके पास पैसा है, माँ लक्ष्मी की आप पे कृपा है, इन्हीं भावना के साथ धन्यवाद, जय हिंद। विद्याधर जी धन्यवाद। आज बड़ी खुशी की बात है कि केवटिया फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को आज शुभारंभ करे, बहुत बड़ी बात। एक किसान परिवार का आदमी और अति बड़े व्यापार प्रतिष्ठान की स्थापना करे, आप बहुत बड़ी बात, बड़ी नगद और मेहनत, एक कई प्रसार तक लगाया गया है पूरे परिवार का आदमी जनजान आज अति बड़े दुकान पर पहुंचा है। ये हमारे सुनने में आई है कि फैक्ट्री मायने की मशीन लगाई गई है, राजस्थान के मान एक नंबर की मूंगफली और तेल की मशीन है, बहुत बड़ी बात। हमेशा किसान किसानी करता रिया, पीड़ियाओ खेती करिया, मायका पेट बनाया, आपा लोग राजा शादी करिया या घर संबंध करिया, खेती रे मायने तो अतो ही काम हो सको। व्यापार के बिना आज के युग में काम चाले नहीं है। और सामान्य लिच्छूराम जी हमेशा ही व्यापार की लाइन में रिया है और हमेशा वो काम करियो है जिसको नयो काम हुआ है। मन जब तक याद है कि गांव में ट्रैक्टर लाने रो काम भी आके पिताजी और दादाजी शुरुआत करी, वो काम भी केवटिया परिवार में चालू हुई हो, चाहे कुआ की मशीन को काम हुए, चाहे कुआ से संबंधित सामान को काम हुए, चाहे मोटर बांधने को काम हुए, आपने ही बेटे मायने लिच्छू जी केवटिया और पूरे केवटिया परिवार हमेशा आप बहुत खुशी की बात। और आज बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान में एक नंबर की चूगा
गोटा चुकाई और तेल की अति बड़ी मशीन लगाई है। इकेले में पेवटिया परिवार ने हमारे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूं का एक नई व्यवस्था कायम की। व्यापार में आ नहीं किया गया, व्यापार में कदम रखा प्रतिस्पर्धा प्रति और इस क्षेत्र के लोग काम किया। अफेट भी अच्छी तरह फले फूले ताकि यूं प्रभावित हो। और दूसरा आदमी है अपना जगह गाँव का शहर का जगह व्यापार करना चाहे वे व्यापार करें और फले फूल। व्यापार ही आज के जमाने की सबसे बड़ी चीज है। आप लोग अति संख्या में बारह पधारिया और मान सगड़ा ने बुलाया, माँ को मान सम्मान करो। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। निश्चित रूप से चुरू जिले के लिए गौरव की बात है, खासतौर से सुजानगढ़ और बिदासर के लिए कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज की स्थापना केवटिया परिवार के द्वारा की गई है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास में इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा महत्व होता है और अगर क्षेत्र का जनप्रतिनिधि सशक्त हो तो इस तरह के कार्य अवश्य होते हैं। केवटिया परिवार से बहुत नज़दीकी जुड़ाव रहा है वैसे भी मंत्री जी का। आज राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल ने इस फैक्ट्री का उद्घाटन की। उद्घाटन के बाद उन्होंने केवटिया परिवार को शुभकामनाएं भी दी हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, सुजानगढ़ से तहसील से अगर बात करें तो बिदासर से लेकर नोखा तक बहुत अच्छी फसल मूंगफली की होती है और किसानों को इसका लाभ अब मिलेगा क्योंकि बिदासर में इसकी फैक्ट्री खुल चुकी है। और मंत्री जी ने भी बहुत अच्छे शब्दों में यहाँ पर कहा है कि मैं आपदा प्रबंधन मंत्री हूँ, अगर किस तरह की फसल में गड़बड़ हुई तो उसकी सहायता भी मैं करूँगा। आइए मंत्री जी से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। कितना बड़ा कदम मानते हैं हमारे क्षेत्र के विकास के लिए इस फैक्ट्री की स्थापना? मैंने जैसा मेरे भाषण में भी कहा था कि लक्ष्मी नारायण जी केवटिया तीव्र बुद्धि का व्यक्ति है। इसके व्यक्तित्व को मैं बहुत बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं कि ये काफ़ी वर्षों से अलग अलग प्रकार का धंधा करते आ रहे हैं। एक बार मुझे याद है शायद मोटर वाइंडिंग का काम भी उन्होंने किया। इसके साथ साथ इन्होंने एक बार ये ट्यूबवेल खोदने के लिए मशीनें ला रहे थे। इसके अलावा मूंगफली खरीद करके ये बहुत अच्छा धंधा करते थे। अब की बार इनके मन में कैसे आई मेरे तो समझ में नहीं आई, लेकिन बिदासर के लिए और हमारे इलाके के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे किसान जो मूंगफली यहाँ ज़्यादा पैदा होती है डूंगड़ एरिया में, थोड़ा नोखा एरिया में, तो हमारे नोखा का बेल्ट भी हमारे लगता है, डूंगड़ का बेल्ट भी लगता है क्योंकि ये बॉर्डर पे है। तो डूंगड़ की मूंगफली भी आएगी, नोखा की मूंगफली भी आएगी। इससे उन्हें किसानों को भी फायदा होगा और किसानों के साथ साथ हमारे इलाके के लोग मजदूरी करने का काम भी करेंगे। क्योंकि देखिए कि कोई भी प्रतिष्ठान खुलता है तो कई लोगों को फायदा होता है, 100 आदमी लगभग। अब 100 आदमी यहाँ पे मजदूर काम करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मीनारायण जी केवटिया बहुत ही अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं। मैं जब से राजनीति में हूँ, इनके पिताजी और इनके ताऊ जी चाचा जी 43 साल पहले से मेरे साथ लगे हुए थे, अब तक लगे रहे। बहुत कम बिरले लोग होंगे जो लगातार साथ रहते हों, लेकिन केवटिया परिवार की विशेषता रही है। बेग जी केवटिया, मोती जी केवटिया, इनके पिताश्री मतलब पूछो मत, सांकल खाने वाले थे। उस परिवार के आज प्रतिष्ठान का शुभारंभ जब किया गया तो मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मूंगफली का गोटा अलग निकले, छोटा अलग निकले, बीज का अलग निकले, मोटा अलग निकले, मूंगफली की एक साथ आ गई है तो मूंगफली अपने आप स्वतः है दूसरी चले। मैं उस मशीन को चला करके मैंने देखा है। मैंने आज तक इतिहास में जिस भी प्रतिष्ठान का शुभारम्भ किया है वो हमेशा फला फूला है। और मैंने कहा भी है कि परमपिता परमेश्वर और हे माँ लक्ष्मी इनके ऊपर कृपा रखना और ये फैक्ट्री शानदार चले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज पुनः है केवटिया परिवार को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये फैक्ट्री जो है मूंगफली की है, बादाम की नहीं है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आपकी दिमाग इतना तेज कैसे चलता है? मूंगफली खाते हैं, बादाम खाते हैं, मैं देखता हूँ कि आप चार चार पांच पांच पीढ़ियों के नाम याद रखते हैं। 10,000 की मीटिंग में 100 लोगों के नाम आप ले लेते हैं कि आप वहाँ से हैं, तो ये इसका राज बता दीजिए, हमारे दर्शक भी आज जान लेंगे आपका दिमाग इतना तेज क्यों चलता है। जब मैं छोटा था ना, 1 साल का 2 साल का 3 साल का, तो 4 साल के बाद, 4 साल का था तब स्कूल में गया था, तो मेरी माँ मेरे को वो जो घी होता है ना चूंटियाँ,
बिलोंड में से एक बाट का भर करके, बाट का होता था पहले, बाट के होते थे तो बाट का भर करके मेरे देते, मैं खा लेता था। तो उससे आपको मालूम है कि शुरू से, उसके बाद में मैं करीब 20 साल से रोजाना 11 बादाम खाता हूँ। हमें ये बात सही है कि बादाम खाता हूँ। और आप कभी भी मेरे नाश्ते में आ जाए, 4 बिस्कुट, 1 गिलास दूध, 1 गिलास का मतलब ये है कि आधा गिलास से थोड़ा कम, आधा गिलास शाम को, पाव गिलास, और सुबह आधा गिलास, आधा मतलब किलो से थोड़ा कम, और 11 बादाम से कम नहीं, 11 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बात तो आपने पकड़ी, ठीक पकड़ी। तो बादाम खाने से दिमाग चलता है नहीं चलता है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चलता है, पता चल गया आज। ये तो आप जानो, लेकिन आपने मेरी बात को पकड़ लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। अच्छा, अभी इनके जो बिजनेस है वो पूरा आपने बता दिया कि चार पीढ़ियों से क्या क्या इन्होंने काम किया। शायद लक्ष्मण जी से बताइए, आपको याद है इतने क्या काम किए जितने मंत्री जी ने आपको बता दिया? याद तो है ही, वैसे ऐसे मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, छठी तक ही पढ़ा था। ये दिमाग अब चल रहा है, सब रिश्तेदारों का आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद से सारे काम चलते हैं। मंत्री जी एक और बात कही थी कि आप घर तो जाट के पैदा हुए लेकिन दिमाग बढ़िया जैसे आपका। वो सच्चाई, सारा सच्चाई से काम चलता है, सच्चाई अगर रखेंगे तो सब आएंगे, हमारे रिश्तेदार भी आएंगे, हमारे किसान भाई है वो भी हमारे पास आएंगे। तो सच्चाई सबसे बड़ी चीज़ मानता हूँ मैं। और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री की स्थापना की, और वो भी जब मंत्री जी ने कहा था कि डूंगरगढ़ से लेकर नोखा, सुजानगढ़, पूरा क्षेत्र मूंगफली की फसल के लिए जाना जाता है। हाँ, इस फैक्ट्री में पूरा हमने नया तो कोई इंजीनियर बुलाया नया, और बुलाया सारा ये मेरे दिमाग से मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया है, और सारा कोई इंजीनियर कोई नक्शा वगैरह हमने नहीं बनाया, लगभग देख के या रिश्तेदारों की फैक्ट्रियाँ देख के, लोगों को पूछ के कैसे बनेगा क्या बनेगा, उस हिसाब से हमने सारा ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। आप ही मूंगफली से बादाम खाते हैं? हाँ, बादाम तो हम नहीं खाते, कभी मिलती है बादाम तो लेकिन ठीक है, सबका आशीर्वाद है, बड़े लोगों का आशीर्वाद है, पुरुषों का आशीर्वाद है, और सब किसान भाइयों का अच्छा आशीर्वाद है। देखिए, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है। मंत्री जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूँगा, ये पूरा क्षेत्र है चूँकि इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं, अभी जो सड़क बनी है, हम अगर बात करें सुजानगढ़ गोपालपुरा बिदासर के बीच में, बनते ही 15-20 दिन में बहुत स्थानों पर टूट गई है, और अभी देख रहे हैं उसका पेशवर का कार्य मतलब एक महीना ही नहीं हुआ है, तो इस पर कोई जाँच वगैरह कराएंगे? देखिए, ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो डामर और जो बजरी डाली जाती है ना, उसमें थोड़ा सा मात अगर चूक जाते हैं एक घंटे के लिए, तो वो फिर वो ऊपर जाती, उस उखड़ जाती है। हालांकि ये ठेकेदार बहुत बढ़िया ठेकेदार है, इसने जितनी सड़कें बनाई आज तक इतिहास में, एक नंबर की सड़क बनाता है यहाँ में। लेकिन अब की बार कोई मे बी पॉसिबल, बरसात का मौका था, इनको बरसात के मौके पर थोड़ा सा धीमे करना था, बरसात वाले दिन ये किया गया। मैंने पूछा उसको कि बरसात हो गई, बरसात के अंदर वो कारीगरों ने दे दिया, तो इसलिए ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी। चलिए, धन्यवाद, आपने उसका ध्यान दिया, हमने ये पता कर लिया था कि आपने ठेकेदार इसको तुरंत क्लास ले ली थी और उसका काम अब ठीक हो रहा है। चलिए, किन शब्दों में आप शुभकामनाएं देंगे, आखिरी सवाल है? देखो कि मैं मेरी तरफ से केवटिया परिवार को, इनके सभी रिश्तेदारों को, आज आने हुए सभी, कितने आदमी आए हैं, हजारों आदमी आए हैं, तो इन सबको तो मैंने शुभकामना दी है, शुभकामना देना भी है। लेकिन केवटिया परिवार, विशेष रूप से लक्ष्मीनारायण जी और उनके परिवार ने इतने बड़ा प्रोजेक्ट जिन्होंने अपने दिमाग से बनाया हो, मैंने पूछा था अंदर, मैंने किसने बनाया, बोले मैंने कोई इंजीनियर है उसे मिलाओ, कि इंजीनियर तो मैं ही हूँ। मैंने कहा यार लक्ष्मीनारायण जी, आप इंजीनियर बन गए, गांव के आदमी, इतना ये आप कहाँ से लाए, ये पंखा कहाँ से लाए? बोले ये पंखा तो मैं गुजरात से लाया हूँ। अरे वाह, ये पंखे तो गुजरात में कहाँ से बनते? बोले स्टीम में आते हैं और आकर के यहाँ पढ़ते हैं। मैंने कहा बड़ा दिमाग आदमी, और मैंने कहा ये कहाँ से ले? बोले ये भी मैंने किया है। ये कहाँ? बोले पंजाब का आदमी मेरे साथ आया था, उसको ठेका दिया मैंने, केवल ठेका, नो इंजीनियरिंग, एक को कुछ पैसे में दिया, एक को कुछ पैसे, अलग अलग ठेका दिया। दिमाग किसका का? दिमाग मेरा। तो लक्ष्मीनारायण जी को बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ, यार आपका दिमाग शानदार है, इसलिए मैंने कहा ना महाजन कम्युनिटी, बढ़िया कम्युनिटी, बढ़िया मतलब बिजनेस करने वाला बढ़िया होता है, बिजनेस करने वाला बढ़िया, बढ़िया जात नहीं है, बिल्कुल मैंने बढ़िया बोला है, तो बढ़िया जात नहीं है, जो बिजनेस करता है वही बढ़िया होता है। तो इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, माँ लक्ष्मी कृपा इस पर ऐसे ही रहे ताकि हमें भी बेनिफिट मिले। अरे भाई, हमें भी बेनिफिट मिले, जब इनके पास टक्का पैसा होगा तो बाहर निकलेंगे। अरे बाहर निकालते हैं ना, अरे बढ़िया बढ़िया बाहर निकालते हैं ना, तो टक्का पैसा होगा तो हम चुनाव में कुछ काम में ले लेंगे,
कुछ हम गांव में जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा। क्यों प्रधान जी बात सही है ना, ये बेटी है, देखो बेटी है, ये इनकी बेटी है, ये प्रधान है बीकानेर की, तो ये प्रधान है, ये बेटी इनकी प्रधान है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पैसा इनके भी काम है कि बेटियों को, भाई बेटी है, बहने हैं, परिवार है, उनको देखो दो पैसे होंगे तो मिलेंगे, हम राजनीतिक आदमी हैं, दो पैसे होंगे तो हमें भी मिलेंगे, खर्चा पानी मिलेगा, गाड़ी का डीजल मिलेगा, गांव के अंदर जाएंगे तो हमारी सेवा चाकरी होगी, और बढ़िया शानदार थली का हलवा भी खुलाते हैं, वो भी अभी के बार बाकी रहा हुआ है, इसलिए वो भी अभी के बार गांव में अभी के बार काफ़ी दिन से बाकी रह गया, वो उधारा है, तो ये काम आएगा भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं। इसलिए मैंने कहा माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर बने रहे, धन दाने से भरपूर हों, और आने वाले समय के अंदर ये फैक्ट्री दिन दुनी रात चौगुनी फले और फूले। आज मंत्री जी पूरे फुर्सत में है, क्योंकि तीन चार दिन से सुजानगढ़ में, और मैं भी फुर्सत में हूँ आज, मैंने भी 20-25 दिन तक गोद करे गए, और आज बड़ा मजा है बातचीत करके, कुछ व्यक्तिगत सवाल किए जिनका बड़ा मज़ेदार ढंग से उन्होंने जवाब दिया, दो दो ऑलराउंडर में कहूँगा, दोनों ही हरिपन मोला है, एक और जहाँ बढ़िया और जाट और किसान की बुद्धि है वही मंत्री जी, तो आप जानते हैं वैसे हर चीज़ के माहिर माने जाते हैं। अब मैं अभी मंत्री जी ने कहा था कि जब पैसा आएगा तो हमारा भी शीर होगा, लेकिन कहते हैं बहन बेटी का भी शीर होता है, बहन बेटी भी मौजूद है, और ये है बीकानेर प्रधान राधा देवी जी, उनसे बातचीत करूँगा। मंत्री जी की बात से आप कितने सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और हम तो यही कामना करेंगे कि जो व्यापार है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि करे, क्योंकि जब ताऊ जी के पास लक्ष्मी आएगी तो वो लगाएंगे किस पे, हम बहन बेटियों पे और नेताओं पर भी और नेताओं पर भी और कुछ मीडिया बंधुओं पर भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं भी केवटिया परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, हजारों की संख्या में केवटिया परिवार के चाहने वाले आए, और खासतौर से मंत्री जी जब आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग आते भी हैं, और निश्चित रूप से ये ऐसी फैक्ट्री जैसा मंत्री जी बता रहे थे और बेनीवाल जी बता रहे थे कि राजस्थान की चुनिंदा फैक्ट्रियों में जिसमें इतनी अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई, जिससे मूंगफली का छिलका अलग हो जाएगा, गोटे अलग हो जाएंगे, गोटे की तीन चार क्वालिटी वो भी अलग अलग हो जाएगी, उसके बाद में तेल निकाला जाएगा, खल अलग हो जाएगी, यानी एक कम्प्लीट फैक्ट्री यहाँ पर केवटिया फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है, और इससे निश्चित रूप क्षेत्र का विकास होगा। केवटिया परिवार ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की हैं हर चीज के लिए।